हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन के बारे में जानेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को ऑफर करती है। कैसे, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, और कितने टाइप्स के रिजर्वेशन हैं जिनके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप उनको क्लेम करना चाहते हो। सो, इन तमाम तरह की बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जुड़े रह सकें और इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो स्टार्ट करने से पहले दो बातों का ध्यान आपको रखना है। नंबर वन, ये डेट। नंबर टू, ये अथॉरिटीज के नेम। ठीक है गाइस। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको 7 टाइप्स के रिजर्वेशन ऑफर करती है। हमारे लिस्ट में जो नंबर वन पे है वो है एससी एसटी रिजर्वेशन, जिसमें आपके लिए 22% सीट्स रिजर्व होती हैं ओवरऑल सीट्स का, यानी कि जितनी भी टोटल सीट्स होंगी उनका 22% सीट्स एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता है। जिसको क्लेम करने के लिए आपको चाहिए होता है आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी या एसटी, क्योंकि एससी कैटेगरी के लिए 15% सीट रिजर्व है और एसटी कैटेगरी के लिए जो सीट रिजर्व है वो है 7%। तो आपको इस रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए आपके पास होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड वेरीफाइड सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट को कैसे बनवाना होता है, आपको जाना होता है अपनी तहसील में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जहां पे होता है, वहां पे से जाकर आपको कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होता है। बट जो मैंने आपको डेट दिखाई थी स्टार्टिंग में, इसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने करंट फाइनेंशियल ईयर के सर्टिफिकेट्स को ही एडमिशन में कंसीडर करती है। अगर आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 का नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। बट आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ऑफलाइन तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि कोविड की वजह से, आप ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। अब तो 31 मार्च चला गया है, अगर किसी के पास पुराना सर्टिफिकेट है ऑलरेडी तो आप उसको रिन्यू करवा लें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस सर्टिफिकेट को बनवा के अपना रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। बट ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कंपिटेंट अथॉरिटीज़ के नेम, इन कंपिटेंट अथॉरिटीज़ द्वारा ही वो पब्लिश किया होना चाहिए सर्टिफिकेट। और सो चलते हैं सेकेंड नंबर पर, जो हमारे पास है ओबीसी, स्टैंड्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस कैटेगरी में भी दो टाइप्स के लेयर्स आ जाते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट्स को ये रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, ओनली नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस रिजर्वेशन। इस कैटेगरी के लिए ओवरऑल सीट्स पे 27% रिजर्वेशन अलाउड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में। आपको इस रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए जो डेट मैंने बताई, उस डेट के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आप उस सर्टिफिकेट को अपने सेंट्रल कॉमन सर्विस सेंटर से बनवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, तो आप अप्लाई कर दें। और अगर आप जिन भी स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट है तो आपको ये रिन्यू करवाना होगा। लेकिन अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि कहाँ से बनता है और कौन सी, अगर उनकी जो कास्ट है वो इस कैटेगरी में फॉल करती है या नहीं, तो आपको सेंट्रल की जो लिस्ट होती है उसमें बताया गया होता है कि कौन सी कास्ट आपकी ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर में आएगी कि नहीं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने आप से उसको चेक कर सकते हो कि आपकी जो कैटेगरी है वो, आपकी जो कास्ट है वो इस कैटेगरी में फॉल करती है कि नहीं। सो जाइए चेक करिए। फिर गाइज, आपके पास जब ये सर्टिफिकेट आ जाता है, आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रलाइज्ड हो, ऊपर मतलब सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो, स्टेट का ना हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो सेंट्रल के सर्टिफिकेट को ही कंसिडर करती है। साथ ही आप जब ओबीसी स्टूडेंट हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के साथ साथ एक आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, वो भी करंट ईयर का ही होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का। सो गाइज, ये दो चीज़ लगती हैं ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन अवेल करने के लिए। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट हो और आपका इनकम सर्टिफिकेट। बाय द वे, अगर आप जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का और आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन क्लेम करना, और आपका सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कर रखा है रिजर्वेशन के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप अपनी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है उसको भी सबमिट कर सकते हैं और रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। सो गाइज, जो नेक्स्ट रिजर्वेशन है हमारे पास वो है EWS, स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है ओवरऑल सीट्स पे, जो कि जस्ट अभी 2019 के बाद से मिलना स्टार्ट हुआ है, जो हमारी पार्लियामेंट ने
नोटिफाई किया था सभी को। सो 10% रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो वो अवेल कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का 10% रिजर्वेशन। इसको अवेल करने के लिए आपको चाहिए होगा एक सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी का। आप इस सर्टिफिकेट को अपने जो तहसील है, डिस्ट्रिक्ट की तहसील, वहाँ से कॉमन सर्विस सेंटर से बनवा सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। सो आपको बस चेक करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट पे जाके आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे क्या प्रोसेस है। बाकी इस सर्टिफिकेट को बनवाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली बनवा सकते हो डॉक्यूमेंट सबमिट करके। और आपको इस सर्टिफिकेट को बनाते टाइम आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा के आपको सबमिट करना होगा। सो गाइज, ये कैटेगरी भी अलग से है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दे कैन अवेल इट दिस रिजर्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे पास है PWD, जो कि है पर्सनल विद डिसेबिलिटी। PWD कैटेगरी में 5% रिजर्वेशन मिलता है ओवरऑल सीट्स पे। आपको इस रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो सर्टिफिकेट आपके 40% से अबव डिसेबिलिटी को शो करता हो। अगर 40% से नीचे का होगा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए कंसीडरेबल नहीं होगा। सो मेक श्योर योर सर्टिफिकेट विल बी अबव द 40%, और उस सर्टिफिकेट पे आपकी खुद की फ़ोटो हो जो एप्लीकेंट होगा उसकी। और वो सर्टिफिकेट आप इजीली किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाना होगा। सो ये था नंबर 4th पे। नंबर 5th पे चलते हैं जो कि हमारे पास रिजर्वेशन है, चिल्ड्रंस विडो ऑफ पर्सनल आर्म फोर्सेस। जैसे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, इनकी वाइफ या इनके बच्चे जो जिनके डैड्स नहीं हैं, वो सोल्जर में शहीद हो गए, सो वो स्टूडेंट्स भी अवेल कर सकते हैं। एक रिजर्वेशन है, इसमें आपको 5% रिजर्वेशन मिलता है ओवरऑल सीट्स पे। तो इस रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जैसे कि सभी के लिए चाहिए। उस सर्टिफिकेट को आपको इनकम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू बनवाना होता है। आप जब आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप इजीली अपना रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कट ऑफ आती है। सो ये था नंबर 5th पे। नंबर 6th की बात करें तो हमारे पास है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है वो 5% मिलता है ओवरऑल सीट्स पे। इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जैसे कि सभी रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए चाहिए। तो इस सर्टिफिकेट को आप अपने डिविजनल कमिश्नर से या फिर रिलीफ कमिश्नर से बनवा सकते हैं। आप कश्मीर से अगर बिलोंग करते हैं या आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको 7 रिजर्वेशन बताए जिनके थ्रू आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पहला था SC, दूसरा था ST, तीसरा था OBC, चौथा था EWS, पांचवा था आपका कश्मीरी माइग्रेंट, छठा था PWD और 7th था चिल्ड्रंस एंड विडो ऑफ पर्सनल आर्म फोर्स। सो ये 7 तरह के रिजर्वेशन जिन रिजर्वेशन के थ्रू आप इजीली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। आई होप गाइज आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर हेल्पफुल लगी हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी रिजर्वेशन क्लेम कर सकें, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब रिजर्वेशन मिल रहा है सो यू शुड टेक इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।